नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की पांच महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं, और उसके बाद पांच ट्रेडिंग कॉल्स होंगी और फिर आपके सवाल एक्सपर्ट के जवाब। तो शुरुआत गोल्ड से, और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी आई है और इस वक्त MCX पर सोने का भाव 48,700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी का भाव करीब करीब 450 रुपये बढ़कर 60,000 की दहलीज को एक बार फिर से पार कर चुका है। मतलब इस वक्त चांदी का भाव 60,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो निचले स्तर पर बाइंग लौटी है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $48 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड का भाव $45 के ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात यह है क्रूड को लेकर के कि अब 30 नवंबर को OPEC और नॉन OPEC की मीटिंग शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में क्रूड उत्पादन कटौती की समय सीमा बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। उस पर मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन आज हमने कुछ बड़े एनर्जी एक्सपर्ट से बात की है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कच्चे तेल की तेज़ी अभी टिकने वाली नहीं है क्योंकि डिमांड में कमी की चिंता मार्केट पर हावी है, लिहाजा 50 के आसपास या 48 के आसपास ब्रेंट का टिकना मुश्किल होगा, ये कुछ एनर्जी एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी बाइंग लौटी है और ग्वार सीड का वायदा 3950 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम का वायदा 5975 के करीब है, करीब करीब 1.5% की मजबूती है। इसके अलावा सोयाबीन और कैस्टर, ये दो काउंटर भी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोयाबीन का वायदा 4400 रुपये के ऊपर है और कैस्टर का वायदा 4700 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इन सब के अलावा कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और कीमतों में 4% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। 2100 रुपये के ऊपर है कॉटन केक का वायदा, बड़ी तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। तो ये पाँच खबरें हैं इस वक्त की और इन पाँच खबरों के बाद अब हम बात करेंगे पाँच ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं, क्या गोल्ड में जो रिकवरी आई है ये आपको टिकाऊ लग रही है और आपको लगता है कि गोल्ड में इस वक्त इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए हालांकि तेजी टिकाऊ तो नहीं है, हाँ लेकिन इंट्राडे के लिए जरूरी है, तेजी एक्सटेंड हो सकती है। जैसे मैंने एक इंट्राडे का जो व्यू दिया है कि 48,600 के करीब बाई किया जा सकता है, 48,400 के करीब का स्टॉप लेकर, तो एक उछाल डेफिनेटली हमें देखने मिल सकता है। कल के दिन थैंक्सगिविंग हॉलीडे है यूएस में और फ्राइडे को भी लगभग वैसा ही माहौल रहेगा, तो हो सकता है उसके पहले हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल जाए। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही है, बहुत बड़ा नहीं होगा, शायद एक्सटेंड होके 49,000 के ऊपर भी निकले, लेकिन ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म बायस है वो नीचे की तरफ है, तो दोबारा प्राइसेस जो है नए लोस की तरफ जा सकती है। तो फिलहाल जो करंट मूव है वो एक प्योरली इंट्राडे मूव की तरह लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। सिल्वर में क्या किया जाए? चांदी भी अब 60,000 के ऊपर आ गई है, तो क्या 60,000 के ऊपर कुछ बाइंग की गुंजाइश आपको दिख रही है अमित जी? जी बिल्कुल, देखिए बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास हम काफी सारे बेस मेटल्स चलते हुए देख रहे हैं, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, वो भी काफी करीब है, तो उसने चांदी को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए चांदी की जो फॉल भी है काफी रिस्ट्रेंड है, काफी कंट्रोल में है गोल्ड के मुकाबले, और उछाल भी हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है, तो इसके चलते मुझे लगता है इंट्राडे में सिल्वर में भी बाइंग की गुंजाइश रहेगी। गोल्ड में भी एक पुलबैक दिख रहा है, तो 59,800-750 इस जोन में हो सकता है इवनिंग सेशन में आपको मिले, वहां पर मैं रिकमेंड करूंगा बाइंग के लिए, और 1,000 रुपए का एक रैली यानी एंट्री से दिख सकता है। डाउनसाइड में 59,300 के नीचे स्टॉप सफिशिएंट होगा, 59,200 का स्टॉप लेके चला जा सकता। ठीक है ओके, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कॉपर में थोड़ी सी गिरावट है और 560 रुपए के नीचे आया है भाव, क्या ट्रेड देख रहे हैं आप? जी हालांकि देखिए इसमें पोजिशनल ट्रेंड डेफिनेटली अपसाइड रहेगा, लेकिन 563 से 565 की जोन में काफी बड़े रेजिस्टेंसेस हैं जो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में क्रॉस हो पाएगा, तो इसी वजह से 560 के करीब इंट्राडे सेलिंग की सलाह दूंगा 555 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 563 का स्टॉप लेना जरूरी होगा। ओके ठीक है,
इसके अलावा जिंक का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? जिंक में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए, सिमिलर टू कॉपर हमने जिंक में भी पिछले दिनों में काफी शानदार तेजी आते हुए देखी है। 200 से 220 21 तक प्राइसेस निकल गए हैं और फिलहाल एक करेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये करेक्शन जो है इंट्राडे में एक्सटेंड हो सकती है। 217 के करीब प्राइसेस हैं, 217.50 के आसपास मिलता है तो बिकवाली करनी चाहिए 218.50 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में 2 रुपए का टारगेट यानी 215.50 इंट्राडे में आ सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस में इस वक्त करीब 1.25% की गिरावट है, 212 का प्राइस है, क्या किया जाए इस भाव पर नेचुरल गैस में? जी देखिए, हालांकि ये गिरावट इंट्राडे में थोड़ी और गहरा सकती है, लेकिन मुझे 210 से बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, वहां पर मैं बाइंग की सलाह दूंगा। रिसेंटली हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, मुझे लगता है ऑन द होल ये रिकवरी एक्सटेंड होगी और 217 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, तो डिप पे बाइंग की सलाह हो। अच्छा, तो डिप पर आपकी राय बाइंग की, 217 के टारगेट के लिए 210 पर आप खरीद सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। अच्छा जी, ग्वार 3500 आएगा या 4500 अगले 2 महीने में, और करोड़ ऊपर में 5000 हो सकता है क्या? बताइए अमित जी। जी देखिए, ग्वार सीड फिलहाल हम देख रहे हैं कल की गिरावट के बाद दोबारा आज तेजी लौटी है, तो मुझे हालांकि मैं पहले ही बता चुका कि 5000 तो नहीं, लेकिन 5000 के काफी करीब जाता हुआ दिखता है, 4700 से 4800 डेफिनेटली आ सकता है। दिसंबर का महीना थोड़ा लैकलस्टर रहने की उम्मीद है, यानी ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, ब्रॉडर रेंज 3800 से 4300 के बीच की होगी, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि नए साल में इसमें तेजी की ग्रिप आ सकती है। जहां तक क्रूड का सवाल है, मुझे लगता है कि 5000 मुश्किल है क्रूड में, लेकिन हाँ 3500 के करीब एक बार प्राइसेस जरूर जा सकती है, जिसके बाद मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3000 तक की। ओके ठीक है, अगला सवाल मुरली का है, तेलंगाना से। पूछिए मुरली जी। नमस्कार मुत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं गोल्ड देख 50-360 में 2 लॉट बेच चुका हूँ। ओके, 50-360 में आपने 2 लॉट गोल्ड बेचा है। हाँ सर। अरे सर, आपको बधाई हो, आपने बड़ा अच्छा ट्रेड लिया। आप देखिए 48700 के नीचे है, तो बहुत अच्छा ट्रेड लिया है। अब तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपने ये कैसे कर लिया और कैसे आपने अंदाजा लगाया कि दाम इतने गिर जाएंगे। चलिए ठीक है, अमित जी बताएं क्या करना चाहिए अब इनको। जी काफी शानदार मुनाफा हो रहा है और मुझे लगता है कि और बढ़ेगा पोजिशनली, यानी हफ्ते से 10 दिन का व्यू लें तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुनाफे में है तो 49,300 के ऊपर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा के होल्ड करें। ऑन द होल मुझे लगता है कि 48,000 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे भी प्राइसेस गिर सकती हैं हफ्ते से 10 दिन के व्यू से, तो इन्हें और इनका जो मुनाफा है और एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अगला सवाल दिनेश कुमार का है। दिनेश जी पूछिए। हाँ जी, गम में क्या लग रहा है जी? गम में क्या लग रहा है? ओके, बताइए अमित जी क्या लग रहा है आपको गम में? जी देखिए, हालांकि जैसे मैंने बताया कि दिसंबर का महीना मोस्टली एक दायरे में रहेगा, और क्योंकि हम दायरे के निचले स्तर के आसपास हैं, 5800 से 5700 के आसपास ग्वार गम में अच्छे सपोर्ट है, तो यहाँ से मुझे उछाल दिखता है। हालांकि जो जो अपसाइड होगा वो 6400 से 6500 तक सीमित होगा, फिर भी करंट प्राइस से एक डिसेंट अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।